Hey friends, good afternoon. This is Pawan Kumar and you are watching Royal Education PK. तो फ्रेंड्स, आपके डिमांड के अनुसार मैं आज आपके लिए तीन चार फिगर्स ऑफ स्पीच जो इम्पोर्टेंट है, देखिए, जिसमें पैराडॉक्स होगा, लाइटोटीज होगा, पन होगा, उनको दोस्तों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में फटाफट और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लाइटोटीज की हम डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो इन लाइटोटीज एंड अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय ए नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट ए स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि लाइटोटीज में जो है एक हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट को जो है या अफर्मेटिव अर्थ को जो है नेगेटिव सेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं और वो जो है स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस में होता है। तो देखिए, डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमारा पहला एग्जाम्पल है नॉट बैंड। अब आप सोचेंगे नॉट बैंड से दोस्तों सर क्या हुआ है? तो दोस्तों, नॉट बैंड से होगा हमारा कि वो कह रहा है कि बेकार नहीं है। अगर बेकार नहीं है तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, और दोस्तों बहुत अच्छा नहीं है तो कम से कम अच्छा तो है। देखिए, एक कमेंट मेरे दोस्त ने आप ही में से किया था मेरी वीडियो पर, मैं आपको वो कमेंट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप ये कमेंट देख सकते हैं। देखिए, रफीक मोहम्मद साहब है ये, इन्होंने जॉन मिल्टन साहब की जो मैंने पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस किया था उस पर इन्होंने कमेंट किया है नॉट बैड। तो दोस्तों, इसका मीन्स ये हुआ कि इनको वीडियो अगर ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके तो ये जो है इनको बेकार नहीं लगी, यानी अच्छी है कुल मिला के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा दोस्तों हमारा है, देखिए, द मैन इज नो फूल। तो फ्रेंड्स, द मैन इज नो फूल मीन्स फूल नहीं है तो वो कैसा है, क्लेवर है या बुद्धिमान है, ठीक है? तो आप समझेंगे होगी हम एक अफर्मेटिव सेंस को जो है नेगेटिव वे में हम बोल रहे हैं। आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज्ड, यानी कि मैं थोड़ा सरप्राइज नहीं हुआ। अगर मैं थोड़ा सा सरप्राइज नहीं था तो मैं कैसा था, ग्रेट सरप्राइज, यानी मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। आई एम सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। तो दोस्तों, मैं सिटीजन हूँ नो मीन सिटी मतलब ए सेलिब्रेटेड सिटी का, यानी मैं ऐसे सिटी का नागरिक नहीं हूं कि जहां जो है कह सकते हैं कि हम मीन व्यक्ति रहते हो तो वो कैसा है, बहुत अच्छे शहर का जो है वो सिटीजन है। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ही इज हार्डली ए आइंस्टीन, यानी कि वह आइंस्टीन नहीं है। और दोस्तों, आइंस्टीन को आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, तो वो कह सकते हैं ही इज नॉट स्मार्ट और रादर डम, या तो मूर्ख है लगभग कुछ कुछ, और या फिर जो है चालाक नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराडॉक्स। तो दोस्तों, पैराडॉक्स जो होता है, पैराडॉक्स इज स्टेटमेंट विच लुक्स एब्सर्ड एंड कंट्राडिक्टरी बट इज वेल फाउंडेड। पैराडॉक्स जो एक ऐसी सिचुएशन है कि जो हमें देखने में तो विरोधाभास लगते हैं, लेकिन वास्तव में जो वो अगर हम उसके मीनिंग को देखें तो हमें जो है सही जो है उसका मीनिंग निकलता है। तो देखिए, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड। तो ये कह रहा, देखिए दोस्तों, इसमें दो हमें चीजें देखने को मिल रही है, एक तो बिगिनिंग और दूसरा एंड, यानी कि ये अंत की शुरुआत है। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि अंत की कोई शुरुआत होती है, लेकिन यदि हम कहें कि हम किसी चीज से उब चुके हैं तो उसको हम कहेंगे कि उसका कोई समय जो खराब होना शुरू होता है तो हम कहते हैं कि अब ये अंत की शुरुआत है। तो वह देख रहे हैं कि हम बिल्कुल फैक्ट बात हमें जो पता चल रही है। तो देयर इज ओनली वन रूल दैट देयर इज नो रूल। तो देखिए, केवल एक नियम है कि कोई नियम नहीं है, बिल्कुल कायदे की है दोस्तों कि बस एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है, ठीक है? माई जॉब इज टू डू नथिंग, मेरा काम है ना कुछ करने का। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि मेरा काम कुछ नहीं करने का। तो विरोधाभास हमें यहाँ देखने में मिल रहा है, यानी दोनों बात जो है माई जॉब है और क्या जॉब है मेरी, कुछ नहीं करने की, पैराडॉक्स है। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मेरा काम कुछ नहीं करने का है, केवल आपके लिए एक वीडियो बनाने का है, तो बात भी सही है, लेकिन अगर मैं उसके पीछे की उस पर जाऊं कि मुझे जो इसकी स्क्रिप्ट लिखनी होती है, मुझे जो इसके मीनिंग एग्जांपल्स ढूंढने होते हैं, तो उसमें मुझे बहुत सारा समय लगता है। तो दोनों ही बातें मेरी सही हो रही है कि माय जॉब इज टू डू नथिंग, मेरा काम है कुछ नहीं करने का, केवल अपनी जानकारी को आपके बीच में शेयर करने का। देखिए दोस्तों, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। देखिए, इसमें जो चाइल्ड है वो फादर, हम कह रहे हैं कि बच्चा जो है मनुष्य का पिता होता है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है?
तो दोस्तों, लेकिन जब हम उसकी जो माई हार्ट लिप्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी द्वारा लिखी गई पोयम है, ये वहां से हमारा लिया गया है। और यदि हम बच्चे की जो है चाइल्डहुड हमारे एक्सपीरियंस देखें और एडल्टहुड पर हम बात करें, तो दोनों जो है समान होते हैं। देखिए, कुछ जॉर्ज ऑरवेल जी के कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिए हुए हैं। वार इज पीस एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, फ्रीडम इज स्लेवरी, ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से इसको देख सकते हैं। जब सभी जानवर बराबर है, तो कुछ जानवर ज्यादा बराबर कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल पैराडॉक्स बातें हमें यहाँ देखने को मिल रही है। आई मस्ट बी क्रूल टू बी काइंड, ये हमारे विलियम शेक्सपियर जी द्वारा हेमलेट से लिया गया है कि मुझे दयालु बनने के लिए, काइंड मतलब काइंड होने के लिए क्रूल होना पड़ेगा। तो क्रूल और काइंड दोनों आपस में विरोधाभास है। और दोस्तों, आई नेवर टेल द ट्रूथ, हियर इज द, यहाँ दोस्तों देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, आई नेवर टेल द ट्रूथ, मैंने कभी सच नहीं बोला। तो नेवर टेल द ट्रूथ, तो ये कह रहा है कि जब उसने कभी सच नहीं बोला, तो वो अब सच क्यों बोल रहा है? जब वो उसने कभी सच नहीं बोला है, तो वो अब ये सच कह रहा है कि मैंने कभी सच नहीं बोला। तो या तो वो अब झूठ बोल रहा है, और या अब वो सच बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है दोस्तों, तो तब भी पैराडॉक्स बात हमारी सिद्ध होती है। और यदि वो सच कह रहा है, तो फिर भी हमारा जो पैराडॉक्स यहां पर हमें मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट होगा हमारा पन। तो देखिए, पन क्या है? एक ह्यूमरस है, वे ऑफ यूजिंग ए वर्ड और फ्रेज सो दैट मोर देन आर मीनिंग इज सजेस्टेड, यानी कि ऐसे शब्दों को यूज करना जहां हमारा एक ही वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हमारे निकलते हैं। देखिए, आई एम द मेंडर ऑफ बेड सोल्स, दोस्तों ये हमारा लिया गया है विलियम शेक्सपियर जी द्वारा रचित जूलियस सीजर से। तो ये कह रहा है, आई एम द मेंडर ऑफ बेड सोल्स। तो बेड सोल्स मीन्स जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनको भी हम कह सकते हैं, और बेड सोल जो हमारे शूज होते हैं, जो उसका तला होता है, उसको भी हम सोल्स बोलते हैं। तो यहाँ जो बैड सोल्स है, इसके दो मीनिंग जो निकल रहे हैं। देखिए, द रिपब्लिकन पार्टी हैज प्लेड इट्स ट्रम्प कार्ड दिस इलेक्शन इन द यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प फॉर प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए में, उसने क्या है इस बार प्रेसिडेंट के लिए जो है ट्रंप कार्ड खेला है। अब दोस्तों, ट्रंप कार्ड एक तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप कार्ड यानी कि ट्रंप का इक्का हम कह सकते हैं, और दूसरा जो है डोनाल्ड ट्रंप उनका नाम है। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को खेल का जो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं हम, और या ये कह सकते हैं कि उसने अपना जो ट्रंप की चाल चली है। सो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमारा जो नंबर टू है, आई नेवर टेल द ट्रूथ, कि मैंने कभी सच नहीं कहा। तो इस वाक्य के हमारे दो मीनिंग निकल रहे हैं, या तो वो अब झूठ बोल रहा है, और या सच बोल रहा है। दोस्तों, अगर वो सच कह रहा है कि मैंने कभी सच नहीं कहा, ये बात अगर सच है कि वो कभी सच नहीं बोलता, तो वो इस समय सच बोल रहा है। और दोस्तों, यदि वो सच बोलता है, तो वो झूठ बोल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि आई नेवर टेल द ट्रूथ, वो कह रहा है कि मैंने कभी सच नहीं कहता। तो अगर वो इस बात को बिल्कुल सच कह रहा है कि वो कभी सच नहीं बोलता, तो दोस्तों इस समय वो सच बोल रहा है। और अगर वो सच बोलता है कि कभी कभी सच बोलता है, और अब वो ये कह रहा है कि आई नेवर टेल द ट्रूथ, तो वो इस समय झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।